हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डोमिनेटर। तो कैसे हैं आप सब? और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और ये न्यू ईयर का फर्स्ट व्लॉग शूट हो रहा है 1 तारीख को। तो आज शाम तक है, तो कल 2 तारीख तक डल जाएगा ये व्लॉग, देखना ना भूलना। तो इसमें ये होगा कि मैंने पिछले व्लॉग में ये बताया था कि मेरी डोमिनार मतलब अपनी हरी मिर्ची की सर्विस हो गई है। एंड अब इसमें बताऊंगा कि कितने की सर्विस हुई, क्योंकि वो वाले व्लॉग में बताना भूल गया था कि कितने की सर्विस हुई है। एक्चुअली क्या है कि जो इसका जो बिल है ना, वो मुझे मिल नहीं रहा। तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चेंज हुआ और क्या क्या इसमें कितने की सर्विस हुई है, पूरा बता दूंगा फुल डिटेल में, और क्या क्या उन्होंने ठीक किया इसका। तो लेट्स गो स्टार्टेड। थोड़ा सा पहले आपको घुमा लेते हैं, थोड़ा सा आज न्यू ईयर तो थोड़ा सा पहले घूम लो, एंड फिर उसके बाद देन बताऊँगा मैं कि कितने की सर्विस हुई। सो एक जगह रुक के आपको मैं दिखाता हूँ पूरा प्रॉपर कि कैसे कैसे क्या है भाई इसका सिस्टम, जो भी सिस्टम है इसका मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ कि क्या क्या चेंज हुआ था इसमें। एंड इस बार तो मैंने इसमें मोटल का ऑयल डलवाया, क्योंकि पहले मैंने 20W50 लाया था, इस बार मैंने 10W50 लाया। बहुत ही बढ़िया ऑयल है। तो अपनी जहाँ पे हम लोकेशन शूट करते हैं वहाँ पे हम आ गए हैं, और देख सकते हैं काफ़ी नज़ारा सही है। न्यू ईयर का फर्स्ट दिन है आज, तो अपनी हरी मिर्ची के साथ आज राइड ही नहीं है, छोटा सा व्लॉग बना रहा हूँ मैं, बारे में बताऊंगा आपको कि क्या क्या इसमें चेंज करवाया। फर्स्ट थिंग जो इसकी बात करते हैं, इंजन की 373 लिक्विड कूल ट्रिपल स्पार्क 4 वॉल्व DOHC इंजन, इसमें डलाया मैंने मोटल का 10W50 जो कि 1.7 लीटर कैपेसिटी है इंजन की, तो मैंने उतना डलवा रखा है। और इसका हाँ ये है कि इसमें कूलेंट चेंज नहीं हुआ है, कूलेंट इसका वही रहा है, बाद में चेंज करवाएंगे अच्छे सा कूलेंट जो भी आता है। भाई मुझे सजेस्ट करना नीचे कमेंट करके कि कौन सा कूलेंट बढ़िया रहता है इस डोमिनार के लिए, क्योंकि जो पहले से आता कंपनी से डलता है उसका तो भाई मुझे पता नहीं, क्योंकि एक साल से पड़ा हुआ है ऐसे ही, और वो चेंज करते नहीं, बोलते हैं अभी चलेगा चलाओ इसको। तो भाई ठीक है। और मैंने इसमें करवा रखी है चेन, जो चेन सेट है वो नया डला रखा है। तो भाई इसको हो गए हैं कम से कम 15, एक मिनट में दिखा देता हूँ मीटर में जाके, इसको हो गए हैं 18,852 किलोमीटर डन हो गए हैं। मैंने इसका चेन सेट करवाया था चेंज 17,000 में, 17,000 किलोमीटर में इसका मैंने चेन सेट चेंज करवाया था, क्योंकि चेन सेट पूरा ख़राब हो गया था और उसके पूरे जो दांत होते हैं इसके पूरे घिस गए थे और आगे वाले के भी। तो मैंने ये चेंज करवा दिया फिर अपोलो H1 में, और आगे लगा मेडजिलर, क्योंकि उस टाइम ये वाला अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मेरा पीछे वाला टायर पूरा ख़राब हो गया था, तो मैंने ये डलवाना पड़ा मुझे, और मुझे लेना ही पड़ा, मतलब ये वाला मेडजिलर सेकेंड हैंड लिया मैंने टायर, ये वाला 500 रुपीज़ का पड़ गया था मेरे को। अभी भी अच्छी खासी ग्रिप है इसकी, और थोड़ा इस रोड में चला रहा हूँ तो मतलब थोड़ा सा इसका कलर इसमें छप गया हुआ है वाइट कलर। तो बाकी बात करें 40 PS पावर मिलती है इस बाइक में आपको, और जो कि बहुत ही बढ़िया इस बजट में। और बस ये है कि इसका पावर टू वेट रेशियो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो इसका वेट दे रखा है, जितना इसका वेट दिया हुआ है उतनी थोड़ी पावर और बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि देख सकते हो आप ड्यूक 390 में। बट हाँ उसमें एक चीज़ है, वोबल इशू है इसका थोड़ा सा, अगर आप हाई स्पीड में जा रहे हो तो वोबल इशू रहता है। मैंने चला रखी ना, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और बाकी इसके जो सस्पेंशन है भाई बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन है, सॉफ्ट एकदम। एंड पीछे वाली ब्रेक का मैंने डिस्क पैड और आगे वाली डिस्क पैड चेंज करवा रखे हैं, और बढ़िया ब्रेकिंग मिल रही है। एंड अभी फ़िलहाल क्या हुआ था, ये गाड़ी में से टच हो गई थी, तो ब्रेक इसकी आगे वाली थोड़ा सा प्ले हो गया बीच में, भाई ने इसमें प्रेशर बनाया था लेकिन फिर भी काम नहीं किया। बाकी ब्रेक तो बढ़िया लग रही है, आगे और पीछे वाली ब्रेक बढ़िया लग रही है, लेकिन हाँ जो पीछे वाली ब्रेक है वो जब स्टार्टिंग में आप बाइक लोगे तो बिल्कुल नहीं लगेगी, थोड़ी लग रही है अभी, क्योंकि इसमें मैंने डिस्क पैड चेंज करवा रहे हैं, KTM वाले लगवा रखे हैं मैंने इसमें। और बात करें इसका जो लेग गार्ड है, एकदम घटिया क्वालिटी के लिए इसके जो लेग गार्ड बहुत घटिया क्वालिटी के हैं यार। आप देखो यार, इतने पतले लेग गार्ड कौन देता है, इतनी वो भी इतना वेट है इसमें। मेरे जो मेरा ब्रदर है उसकी भी मेरी तरह हाइट है, ठीक है, 5.11, मुझे छोटा है वो भी, तो खड़े खड़े में वो फर्स्ट गियर में बाइक मोड़ रहा था, देन मोड़ते मोड़ते नीचे गिरी, आराम से गिरी, मतलब खड़े खड़े ही बाइक गिर गई और वो लेग गार्ड ऐसे मुड़ गया है। तो अब देखो भाई क्या ही बोलूँ मैं, तो मैं इसमें लेग गार्ड चेंज कराऊंगा पूरा, जो फुल सिस्टम जो लेग गार्ड आता है ना, ऐसे पूरा जो इंजन कवर करता है वो वाला लेग गार्ड लगाऊंगा इसमें। शायद जाना के होते हैं, पता नहीं कौन से होते हैं, उसना मुझे पता नहीं है, बट अभी देखना पड़ेगा ऑनलाइन। तो बाकी इसका सर्विस कॉस्ट जो मुझे टोटल पड़ी है वो पड़ी है 3,000। इसका एयर फिल्टर चेंज हुआ है थर्ड सर्विस में चेंज नहीं हुआ, तो फोर्थ सर्विस में इनके पास था नहीं, तो फिफ्थ सर्विस में मैंने बोला भाई चेंज करो भाई इसको, जब देखा भाई एकदम काला, एकदम घटिया क्वालिटी का, तो फिर चेंज करवाया।
तो अब बाइक पूरी खुल गई है, ऐसे बाइक पूरी खुल गई है। एंड जिसने मुझे राहुल वॉक्स 57 करके मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बाइक वगैरह रील्स डालते रहता हूँ। एंड मैंने डोमी राइडर भी बना रखा है, डोमी राइडर ऑफिशियल करके मैंने चैनल बना रखा है, तो वहाँ पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं, वो मेरा नया अकाउंट है, तो उसमें मैं प्रॉपर बाइक की ही रील डालता हूँ। तो इस बाइक में एक बढ़िया चीज़ है जो कि इसका डुअल बैरल एग्जॉस्ट है, क्योंकि ये देखो बाइक में ना मैं सही बता रहा हूँ, जो बजाज की ऐसी बाइक है 400 सीसी में, ये ऐसी बाइक है कि ऐसा एग्जॉस्ट किसी के अंदर नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी बाइक के अंदर मिलेगा, वो भी बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, एक बार इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि कैसी लग रही है। एंड बाकी देख सकते हो आवाज़ कितनी प्यारी आ रही है इसकी। एंड आगे तो भाई इसके जो USD फोक्स है भाई बहुत ही बढ़िया, और लीन करने में जो भी पहली बार जो टायर चेंज कराते, तो मैं बोलूँगा कि यार अपोलो H1 लगाओ आप, बहुत ही बढ़िया रहता है यार ये। और लीन मैंने पूरी कर रखी है, ये जो फुट रेस्ट है ना ये देख रहे हो पूरा, ये ऐसे जो मुड़ता है ये पूरा टच हो गया था, मतलब इतनी लीन कर रखी है मैंने। इसमें 3 एरो दे रखे होते हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, मैं 2 तक ले गया हूँ, 3 तक भाई लीन ही आज तक मैं। और बहुत ही बढ़िया यार इसकी जो लाइट परफॉर्मेंस है, इसको इसमें आपको कोई अपग्रेड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें लाइट आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाएगी। लाइट भाई इसकी बहुत ही बढ़िया लाइट है, नाइट में मैं एक दिन व्लॉग बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा इसकी लाइट का। एंड भाइयों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप देखते हो, अगर आपको व्लॉग जरा से भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब का बटन साथ में दिया हुआ है, कोई पैसे नहीं लगते, कोई मतलब कुछ नहीं लगता। जैसे जियो अपना 15 रुपये में GB देता है, तो भाई मैं फ्री का ही व्लॉग देता हूँ आपको, तो बस आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। एंड हाँ, बेल आइकन ऑल पे करना भाई, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूँगा फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और सबसे बढ़िया चीज़ जो इसकी पीछे की लाइटें हैं, बहुत ही देखने में यार, तुम देखोगे ना असलियत में, देखो कैमरे में तो कम से कम थोड़ा कम ही दिखेगा क्योंकि GoPro है, जब आप असलियत में कोई चीज़ देखते हो ना तब वो याद भी रहती है और वो भी रहता है। तो मैं आपसे ये श्योर करूँगा कि अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हो तो एक बार टेस्ट राइड लेके देखना। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी हाइट 5.11 है, मेरे पैर आराम से नीचे टच होते हैं और मैं इसको वेट मतलब मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके 5.5 है तो आपको थोड़ा मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि इसका वेट हैवी है एक तो ऊपर से, और इसका टर्निंग रेडियस देख लो यार, बिल्कुल इतना है टर्निंग रेडियस, इतना है तो भाई कम है इसका टर्निंग रेडियस। बाकी एक बार बात कर लें इसकी, इसमें एक और दिक्कत है भाई साहब, जब आप राइड कर रहे हो ना, तो जब आप राइड कर रहे हो उसमें ठीक है ट्रैफिक लग रहा है थोड़ी थोड़ी, मतलब 1-2 सेकंड बाद फिर आप रुक रहे हो, 1-2 सेकंड बाद आप रुक रहे हो, तो फिर आपको यार गियर देखने में बहुत दिक्कत होती है यार, बार बार आप कितनी मुंडी नीचे करोगे, जब तक आप नीचे देखोगे तब तक आगे वाले ब्रेक मारेगा, तब तक आपकी गाड़ी टच हो जाएगी। तो थोड़ा सा यार यही है इसमें दिक्कत ना, कि जो उसकी डिस्प्ले है वो नीचे है भाई। हाँ बाकी ECU के बाद ऊपर आ जाएगी, मतलब जो गियर इंडिकेटर है वो ऊपर आ जाता है ECU के बाद। तो बाकी अगर आपने इसकी माइलेज एवरेज टेस्ट नहीं देखा है तो नीचे आप मेरी फ्रेश वीडियो में जाके देख सकते हैं, मतलब 1 हफ्ते पहले ही मैंने डाल रखा है, 1-2 हफ्ते पहले मैंने डाल रखा है इसका वेट जो है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, थोड़ी फनी वीडियो भी लाऊंगा थोड़ी सी अभी ना, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अनफॉलो करो, ठीक है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, करो फिर आपकी मर्जी है। तो बाय बाय।